नमस्कार मित्रों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दिखाने के लिए कि पेट्रोल पंपों पर आजकल भीड़ बढ़ती जा रही है, तो पेट्रोल और हवा एक साथ डाल सकते हैं हम, उसके लिए किस तरह का सिस्टम बनाया जाता है। ये देखिए, इसमें डीजल भी डल रहा है गाड़ी में, पॉइंट पर लगी है, और इसमें हवा भी डल रही है, तो इससे का समय की बचत भी होती है, जगह की कमी हो, जगह का सदुपयोग भी हो जाता है, गाड़ी कम देर के लिए रोकना पड़ती है पेट्रोल पंप पर। तो इसके लिए दोस्तों सिस्टम ऐसा लगा है कि कंप्रेसर से एक जीआई पाइप में कनेक्शन लेके आया गया है, ये पॉइंट तक लेके आया गया है, पॉइंट में इसमें बैंड वगैरह देकर एक फ्लेक्सिबल पाइप लगाया है। ये फ्लेक्सिबल पाइप काफ़ी मजबूत रहता है और ये 30 फीट 35 फीट तक चले जाता है। इसके आगे एक हाथ से चलने वाला नोजल लगा है, हवा का नोजल दिखाए, जिससे कंफर्टेबली चारों टायर में हवा भरा जाती है, यहाँ तक कि किसी दूसरे पॉइंट पर भी ये चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना रहता है कि यहाँ पर जो हाथ से ऑपरेट करने वाला नोजल आता है, यह हमारे जो IRAI या फिर किसी अच्छी कंपनी का जो लगा हुआ है, हमारा स्टैंड वाला एयर मीटर कैलिब्रेशन उससे मिलता हुआ हो। इसमें कुछ अच्छी ब्रांड भी आते हैं, PCL, सुमो वगैरह, जो एग्जैक्ट कैलिब्रेशन देते हैं, काफ़ी स्टडी रहते हैं। इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक वाला ना लगाएं, क्योंकि ये काफ़ी मूवमेंट रहता है इसका, तो ख़राब होने के चांस रहते हैं, पानी जाने के चांस रहते हैं। मैंने PCL सुमो का भी लगाया था, थोड़ा महंगा पड़ता है, मेंटेनेंस कॉस्टली है, लेकिन बहुत अच्छा है वो, और बाकी दूसरे भी आप ले सकते हैं, पर रेगुलर उनका आप चेक करते रहें। इस सिस्टम से ग्राहक भी खुश रहता है, जल्दी काम हो जाता है, इसे गाड़ी भी आगे पीछे नहीं करना पड़ती है। ऐसे ही और दूसरे वीडियोस के लिए संपर्क में रहें, देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके पास जो इस तरह कोई आइडियाज़ हो तो बिल्कुल शेयर करें। धन्यवाद।